नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकुर त्यागी, आपका फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है द लग्जरी आइडिया। आज जो हम लोकेशन पे आए हैं, ये सेक्टर 123 की लोकेशन पड़ रही है, आपकी ग्रेटर मोहाली की लोकेशन पड़ती है, जो डायरेक्टली आपको PR7 से कनेक्टेड करते हुए तकरीबन 300 मीटर के गैप में ये पड़ती है आपकी लोकेशन। ये आपके हिमाचल, पंजाब, हरियाणा को कनेक्ट करती हुई आपको बिल्कुल चंडीगढ़ और मोहाली की जो कनेक्टिविटी है वो सिर्फ आपसे 10 से 15 मिनट की ड्राइव पे ही आपको ये कनेक्टिविटी देती है। अब लोकेशन को बहुत मेन जो प्रीशियस बनाता है वो बनाता है आपका PR7 रिंग रोड, जो बिल्कुल ही जैसे मैं बता चुका हूँ आपको 300 मीटर का डिफरेंस पे है। यहाँ पर जो फैसिलिटीज है, जैसे गोपाल्स होगी, मैक्स हॉस्पिटल होगी, IVY हॉस्पिटल होगी, या आपकी जो चंडीगढ़ में जैसे PGI की काफ़ी ज़्यादा जान पहचान में आती है, पंजाब यूनिवर्सिटी की, वो भी यहाँ से PR7 से, या फिर कह लीजिए अपने चंडीगढ़ खरड़ हाईवे लोकेशन से तकरीबन 15 से 20 मिनट की ड्राइव पे पड़ जाता है। प्रोजेक्ट के ऊपर बात आते हैं तो आप मेरे बिल्कुल सामने देख रहे हैं, ये 118 गज की हमारी एक कोठी है, जो अपना 2 BHK का कंसेप्ट नीचे, 2 BHK का ऊपर है। आ जाइए फ्रंट में, आपको इसमें दिखाऊंगा मैं आपको। बेसिकली तकरीबन आपका 8 फिट का ये हमारा बर्म एरिया आ रहा है, जैसे आप वो देख सकते हैं वर्किंग चल रही है, बिल्कुल ही न्यू कंसेप्ट रहेगा ये। इसी के साथ साथ आपका जैसे पोड़ियों का कंसेप्ट हो गया या गाड़ियों को लेके आने का कंसेप्ट हो गया, इसमें आप देख सकते हैं बेसिकली कितना ज़्यादा आगे फ्रंट में इसका एरिया छोड़ा गया है। ये हमारा पार्किंग एरिया आप कह लीजिए, या बालकनी एरिया के अंदर भी आप देखें अगर, जो आपके अंदर घर 2 गाड़ियां हैं, एक अंदर और एक बाहर, बहुत ईजी लग सकती है, जबकि आपको 2 व्हीलर के लिए एक अलग पार्किंग एरिया दे दिया गया है। फ्रंट में हम चल रहे हैं, सबसे पहले हम नीचे का एक बार कवर करते हैं। फ्रंट में ही आपको एक ग्लास पॉइंट दिया गया है इसमें, ये बहुत ही प्यारा एक सेगमेंट होता है और बहुत ही कम कोठियों के अंदर मिला हुआ है। ड्राइंग डाइनिंग के अंदर आप आ रहे हैं, ड्राइंग एरिया को कवर करते हैं, हम डाइनिंग एरिया की तरफ आ रहे हैं। इस टाइम जो आप कोठी में देख रहे हैं ये सेम एज इट इज विद फॉल सीलिंग, और आपका जो वॉलपेपर होता है वही कंसेप्ट आपको क्लियर किया गया है। इसमें आपके सिर्फ फैंस नहीं होंगे, बाकी जो फॉल सीलिंग के साथ आपकी कंसील्ड लाइट से सारी प्रॉपर सेगमेंट वही दे रहे हैं। किचन के अंदर आते हैं हम, किचन के अंदर ग्रॉसरी पॉइंट आपको दिए गए हैं, स्लीक के बेसिकली आपको सारी के सारी यूनिट्स प्रोवाइड करी गई, और किचन का जरा आप साइज देखिए, तकरीबन किचन आपकी 8x10 के अंदर ये बनाई गई है। ये मैं आपको अप्रोक्स साइज बता रहा हूँ, जब आप इंक्वायरी करेंगे तब मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स वगैरह व्हाट्सएप कर दूंगा। डबल सिंक के साथ ये रहती है, यूटेंसिल्स के लिए बेसिकली अलग कंसेप्ट रहेंगे, सारे सॉफ्ट क्लोजर के साथ रहेंगे, प्रॉपर एक कोठी का कंसेप्ट, जैसे कि आपकी डिमांड अर्जी की कोठी दिखाई है, कोठी के कंसेप्ट लाई है, सेम वही आज आपके लिए लेके आऊँ। लोकेशन हमारी ये खरड़ रहेगी, डोर्स के साथ आपको डिजिटल लॉक प्रोवाइड करे गए हैं। रूम्स के अंदर आइए, जो आप इस टाइम डोर्स देख रहे हैं ये रेडी टू मूव इन कोठी का कंसेप्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। वॉलपेपर के साथ आपका कबर्ड्स आप देखिए पूरे घर के अंदर, ये जो स्लाइडिंग सारे कबर्ड्स रहेंगे आपके विद फॉल सीलिंग। वॉशरूम की जो आपकी फिटिंग रहेगी वो आपकी रहेगी कॉलर की, आप एक बार थोड़ा सा आगे देख लीजिए, इस टाइम यहाँ लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। साथ के साथ पीछे की बालकनी जो वेंटिलेशन एरिया है, एक कोठी से दूसरी कोठी के बीच में एटलीस्ट 3 से 4 फिट का गैप है। अब दूसरे रूम में एक बार हम कवर करते हैं, हम आपको जैसे LED पैनल्स के साथ जो बॉक्सेस होते हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं इस टाइम पे। आपको स्लाइडिंग कबर्ड्स वगैरह आपको मैंने दिखाई दी थी, एक बार वॉशरूम की यहाँ जो टाइल्स वगैरह हैं बॉटम टू टॉप तक जो टाइल्स रहेंगी वो भी प्लीज दिखा दीजिए। साथ के साथ बैक साइड पे फिर से आपका एरिया आ गया, सेम यही कंसेप्ट हमारा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर रहेगा। 2 BHK के साथ आपको किचन प्रोवाइड हो रही है, ड्राइंग डाइनिंग का एरिया प्रोवाइड हो रहा है, और कुछ एरिया हम आपको फ्रंट में ओपन दे रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा है 118 गज कोठी की जो डिमांड है वो आ रही है 92 लाख, आपकी प्राइस नेगोशिएबल रहेगा बट वो ऑन टेबल रहेगा बिकॉज हमारे पास लिमिटेड इन्वेंट्री है। अभी मैं आपको कुछ और कोठियों के और फ्लैट्स के कंसेप्ट अभी दिखाने जा रहा हूँ, इससे नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।